बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम सेकंड ईयर क्लास से है। ओके, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वाटर फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया था हमने, फ्रेडरिक वोहलर के वर्क को स्टडी किया था, और हमने ये देखा था कि कुछ जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया और आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 7 का पहला लेक्चर जो है वो लाजमी लें। ओके, अब हम सेकेंड लेक्चर पे हैं और जो सेकेंड लेक्चर है वो बेस करता है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इसमें हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखनी है, उनकी खसूसियात, उनके फीचर्स को डिस्कस करना है। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो है पिक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पिक्युलर का मतलब होता है अजीब, कि कार्बन जो है उसका बिहेवियर अजीब है या आप कह लें अनोखा, यूनिक। तो पिक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन ये है कि जो कार्बन है वो फिनोमिना शो करता है कैटिनेशन का। किस चीज़ का फिनोमिना शो करती है कार्बन? कैटिनेशन का फिनोमिना शो करती है। और कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या है? एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। किसकी? सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये है कि एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके तो बहुत लंबी चेन्स या लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ओके, जैसे कार्बन में अगर आप देखें, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन पढ़े थे ना, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर होता है वो होता है मीथेन CH4, जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है इथेन C2H6, और जो तीसरा मेंबर होता है वो होता है प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें कैटिनेशन हुई हुई है। क्या हुआ है? कार्बन इसमें एक है, इसमें जब इथेन में हम लोग गए हैं तो कार्बन ने फिर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है, फिर जब हम प्रोपेन में गए हैं तो कार्बन ने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। तो जो कार्बन है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन एक बेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जो कि कैटिनेशन का फिनोमिना शो करता है। अब कैटिनेशन क्या होती है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स या फिर अपने ही एलिमेंट्स के साथ, विद सेम एलिमेंट्स और विद अदर एलिमेंट्स। अब कार्बन जो है ये कार्बन के साथ भी मिलके मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा अल्केन्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अल्कीन है अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह जो कार्बन है वो अपने ही एटम्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ मिलकर मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ भी मिल सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी। ठीक है, तो इस वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एट दिस टाइम, कि इस वक्त दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं। तो दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन की वजह से पाए जाते हैं, और कार्बन की किस प्रॉपर्टी की वजह से पाए जाते हैं? कार्बन की कैटिनेशन का जो फिनोमिना कार्बन शो करता है, उस वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, और कैटिनेशन जो है वो कार्बन बहुत अच्छा एलिमेंट है जो कैटिनेशन को का फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। ये मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, डबल सिंगल ट्रिपल या बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बनाता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करता है, कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिससे लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं इसकी बॉन्डिंग की वजह से।
जी तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है नॉन आयनिक नेचर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमेशा याद रखना है दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड की, ये आप लोगों ने सारी फॉर्मेशन पढ़ी हुई है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 ही था शायद फर्स्ट ईयर क्लास में भी जिसमें आप लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड पढ़े थे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है और इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। तो अगर आप लोग मीथेन की स्ट्रक्चर खोल के लिखें जरा मीथेन को, तो मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आप लिखें तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें सॉलिड लाइंस लगी हुई हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कैसे म्यूचुअल शेयरिंग होती है? कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करूँ और मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करूं, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए कार्बन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन से क्या होगा? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। 4 हाइड्रोजन हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ से ये इनके म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब बाहमी इश्तराक, बाहमी शेयरिंग होती है इनके के एक एटम भी देता है, दूसरा एटम भी देता है और सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसको हम एक सिंगल सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डबल लाइंस, डबल बॉन्ड बन जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 लाइंस लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। तो अगर वो कोवेलेंट है तो वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले ही रिएक्शंस देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, जो कि आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किए थे। ठीक है, 3 में या 4 में डिस्कस किए थे। तो उसमें था कि कौन से एल्केन्स बादले का रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो ये क्योंकि कोवेलेंट है नेचर में तो नॉन आयनिक नेचर है इनकी। ठीक है, यानी ये आयनिक कंपाउंड या आयनिक रिएक्शंस नहीं दे सकते हैं, ये हमेशा क्या देंगे? कोवेलेंट रिएक्शंस देंगे। और इनकी नेचर क्या होगी? कोवेलेंट होगी। कोवेलेंट नेचर का मतलब है कि ये कैसे प्रिपेयर होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से प्रिपेयर किए जाएंगे। ओके, और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की वजह से हम बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जो कंपाउंड्स एक जैसी खसूसियात रखते हो उनकी बना दी जाती हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा हुआ है अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन्स का होता है CnH2n। अल्काइन्स का होता है CnH2n-2। ठीक है, इसी तरह अगर हाइड्रोक्सिल्स का आप देखें, अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप देखें, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप या जनरल फॉर्मूला अल्कोहल्स का बनता है CnH2n+1 और OH। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो उनका बनता है CnH2n+1 और COOH।
और इनमें से फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है, अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अल्कीन्स का होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे तीन बॉन्ड, और अल्काइन्स का होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अल्कोहल्स का होता है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है COOH। तो इनमें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाई जाती है। अगर आप अल्केन फैमिली को देखें तो अल्केन फैमिली के सभी मेंबर्स में एक एक CH2 ग्रुप का इजाफा होता है, ठीक है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे रेगुलर वे में इनका इजाफा होता है, डेंसिटी में या फिर आप कह लें कि मॉलिक्यूलर साइज में इनके रेगुलर वे में इनका इजाफा होता है, ठीक है। तो इनमें सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होती है, तो इस वजह से इनकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। जैसे अल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका जनरल फार्मूला यही है। अगर हमने प्रोपेन का देखना है, ब्यूटेन का देखना है, या हमने पेंटेन का देखना है, हेक्सेन का, हेप्टेन का, जिसका भी आपने देखना है, तो उन सब में जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। तो अब इस एक जनरल फार्मूला से जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुकी है, ठीक है, उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। होमोलोगस सीरीज बना दी गई है, उनकी जो बिहेवियर है उनमें सिमिलैरिटी की वजह से उनकी होमोलोगस सीरीज बना दी गई है, ठीक, ओके हो गया। उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज के भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं। जैसे स्टार्च का होता है C6H10O5 और N, N टाइम्स C6H10O5 N टाइम्स आता है। अब जो N है वो 1 से लेके मिलियन तक भी जा सकता है। इसी तरह प्रोटीन जो है, अच्छा एक बात और यहाँ पे देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो मेजर क्लासेस है ना वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और इसके अलावा पाए जाते हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड्स। ये चार जो आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेजर क्लासेस हैं, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े साइज के भी हो सकते हैं और उनमें कम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है, मॉलिक्यूलर साइज उनका बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 एन टाइम्स, तो एन जो है 1 से मिलियन थाउजेंड तक भी वह जा सकता है, ठीक है। इस तरह प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का भी मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा होता है, तो कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर ये आइसोमेरिज्म का मुजाहरा करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं और उनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम रहता है, आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद 3 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक। जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो उसमें 4 कार्बन होते हैं और ब्यूटेन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर हम लोग इसकी ब्रांच बना दें, ठीक है, इसी क्या कर दें, ब्रांच बना दें, इसकी स्ट्रक्चर को लिखने का मेथड जो है वो डिफर कर लें, कैसे, हम ऐसे लिख दें CH3 bond CH bond CH3 bond CH3, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये है आइसोब्यूटेन। इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन, कि इसमें चेन में एक ब्रांच बना दी गई है, तो ये आइसोब्यूटेन। अब स्ट्रक्चर डिफर होने से इनके नाम डिफर हो गए हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, और लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आइसोमेरिज्म की वजह से भी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कैटिनेशन, कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो होता है, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है और उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट होने से उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से भी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। फिर है रेट ऑफ रिएक्शंस। अब
क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कोवलेंट इन नेचर हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिथेन की एग्जाम्पल लें तो उसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर मिथेन ने किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो पहले हमें ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, और फिर इनके नए बॉन्ड्स बनाने के लिए भी हमें एनर्जी या हमें मुख्य तरह के प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस ब्रेक भी होती हैं रिएक्शन के दौरान, बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते भी हैं। हमें रिएक्शन करवाने के लिए पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है और फिर हमें नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। इस वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो करवाने के लिए हमें पहले पिछले बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं और फिर नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए रिएक्शन स्लो होता है। अब रिएक्शन स्लो होगा तो जो इसकी यील्ड होती है, जो इसकी रिएक्शन की प्रोडक्ट होती है, जो रिएक्शन की पैदावार होती है, वो भी कम आती है। ओके, आइए समझ। और इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने की एक वजह इनकी मॉलिक्यूलर नेचर भी होती है, कि ये मॉलिक्यूलर मैस इनसे होता है। इनके मैस को मॉलिक्यूलर मैस से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, इस वजह से भी इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। फिर इनकी सॉलिबिलिटी है। अब जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी का असूल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था आपने, लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब ये है, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि अगर पोलर नेचर के कंपाउंड्स हैं तो वो पोलर नेचर के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, अगर नॉन पोलर नेचर का सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली ये कोवलेंट होते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होती हैं, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। इनकी सॉलिबिलिटी किसमें होगी? इनकी सॉलिबिलिटी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर हैं। तो इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम भी तो बहुत कम हद तक होते हैं, लेकिन बेस्ट सॉलिबिलिटी ये किस में शो करते हैं? बेस्ट सॉलिबिलिटी ये शो करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में शो करते हैं। हाँ, ये समझ। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा। इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स को पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की के पिकुलर बिहेवियर होता है कार्बन का, कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जिससे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। फिर नॉन आयनिक नेचर होती है, कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। फिर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होती है, कि इन कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, जिसकी वजह से इनकी होमोलोगो सीरीज भी बनाई जाती है। फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, कि इनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्टार्च और प्रोटीन्स। फिर हमने देखा कि आइसोमेरिज्म का मुजाहरा करते हैं, कि मॉलिक्यूलर मैस सेम रहता है और स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। जैसे ब्यूटेन का हमने देखा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा रहेगा C4H10, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो आइसोब्यूटेन भी हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन भी हो सकता है। ठीक है, और फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि ये कोवलेंट नेचर के होते हैं तो हमें कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि फिर हम सॉलिड बॉन्ड्स होते हैं, हमें पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, फिर नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, इस वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शंस स्लो होती हैं, इनकी यील्ड भी लो होती है। फिर हमने सॉलिबिलिटी का देखा, क्योंकि ये कोवलेंट है और मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक उस फिनोमिना पर अमल करते हुए, यानी जितना दा मुंह उतना दी चपेट। तो अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो ये क्योंकि कोवलेंट है और मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।